कबाब को देख के रेशमी सिमरन की याद आ गई। हाँ, मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी वो, लेकिन उससे पहले। ये क्या कर रहा है? वो करती थी। किसको? कबाब को, ताकि मेरा मुंह ना चले। बुला ले। किसको? ये वो लड़की जो बार पे खड़ी है, कब से तुझे ताड़ रही है, बुला ले। अरे ऐसे मत देख। अरे हाँ। क्या करूं? मैं जाके बात छेड़ू? नहीं 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 नहीं। अरे सिमरन को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। रुक, मैं जाके बात करता हूँ। नहीं। अरे रुक ना। नहीं नहीं, रुक जा। राजा, राजा। हाय। मुझे पता है, आपके दोस्त ने मुझे बताया। वैसे मैं स्पोर्ट्स नहीं देखती, पर आपका नाम काफी सुना है। यस, योर सुमित वालिया, राइट? द फेमस स्पोर्ट्स रिपोर्टर। बैठिए ना। I can't believe कि मैं दोस्त सुमित वालिया के साथ बैठी हूँ। So excited. हाँ, मैं ही सुमित वालिया हूँ। आप लेंगी कबाब? काफी गर्म है। नहीं, I know it's bad manners, but अरे मोनू, कल कमाल हो गया। जीतोस में कल मुझे एक बंदी मिली जो ना मुझ में इंटरेस्टेड थी। तूने उसे गिरफ्तार किया था क्या? सरता रही हो, वो कोई चोरा चक्की नहीं थी, वो ना एक बड़ी स्पेशल बंदी थी। उसे देख के लगा कि इससे बात बन सकती है। अच्छा? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो दुविधा टाइप है। हाँ, नहीं नहीं, दुविधा भी नहीं कह सकते उसे। वो कहेंगे ना, वो रास्ते में एक अजीब मोड़ टाइप कुछ। नहीं नहीं, अजीब भी नहीं कह सकते, क्योंकि मोड़ अजीब थोड़ा ना होता है। सुनो, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, जल्दी बता क्या हुआ। वो समझती कि मैं तू। मैं तू हूँ? नहीं, तू मैं हूँ। और मैं तू हूँ? नहीं, तू तू ही है। तो हम दोनों मैं हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ। रजत है ना, उसने पता नहीं जाके उसे क्या कहानी सुना दी, और फिर वो एकदम से एक्साइटेड हो गई। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। एक मिनट एक मिनट, वो सुमित वालिया का नाम सुन के एक्साइटेड हो गई? वही तो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। कह रही थी कि लोग पता नहीं सुमित वालिया के बारे में बातें करते रहते अक्सर। लेकिन इतना सुना होगा तो उसे ये भी पता होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा सा तड़का डाल दिया। मैंने उसे कह दिया कि माया 3 महीने पहले ना टपक गई। मेरी माया को टपका दिया? क्या करता भाई, और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन फिक्र मत कर, माया जब हॉस्पिटल में थी ना, तो तू दिन रात उसके साथ था। उसे इतने प्यार से संभाला तूने आखिरी सांस तक। शुक्र है तुम दोनों का कोई बच्चा नहीं था। हाँ, मुझे लगा कि वो सौतेली माँ बनने के लिए तैयार नहीं है ना। इतने सारे झूठ, लेकिन परेशान क्यों हो रहा है? पर्सनली मत ले इस चीज को, मैं तू, याद है ना? सुनने के बच्चे, जब सच सामने आएगा ना तो ये तमाचे पढ़ने तुझे। जानता हूँ, पर क्या करता। उस वक्त उस लड़की को देख के लगा कि लाइफ में ऐसे अच्छी बंदी मिलने वाली नहीं है तुझे सोनू, इसलिए आज झूठ को चलने दो, जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ सच सच बता दूंगा। वैसे सुमित वालिया ने उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाया। अरे अच्छा, छा गया भाई तू, छा गया। लाइफ में पहली बार मैंने अफेयर किया और मैं वहां पे था भी नहीं। क्या कर रहा है यार, तेरी नताशा मेरे ऑफिस गिफ्ट भेजे जा रही है, ये देख।
क्या लिखा है? एक नए प्यार की शुरुआत सुमित वालिया के साथ तुम्हारी नताशा। अगर मेरी माया को तुम्हारी नताशा के बारे में पता चल गया तो थैंक यू, और अब चल भाग गया। चिक्की का एक पीस दे देना। नहीं मेरा है। अरे यार मेरा हक बनता है ना। चलना अभी भाग यहां से। बाद में तो लेट नताशा। ये मेरे भाई रजनीश। ओ हाँ रजनीश दिस साइड। और रजनीश मेरे बड़े भाई ये नताशा। रजनीश फाइनली इट्स सो गुड टू मीट यू। यू नो सुमित दिन भर तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है कि तुम कितने नेक पुलिस ऑफिसर हो, कि तुम एक अच्छे ऑफिसर ही नहीं एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड नाउ आई नो व्हाट ही मींस। अच्छा कितनी बड़ाई करता है। तो उसने ये भी बताया होगा कि पिछले 7 साल से मैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अटका हुआ हूं। निठल्ला कहीं का मैं। वो इसलिए क्योंकि रजनीश कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है ना। रजनीश बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तो कभी किसी के साथ गुड पुलिस ऑफिसर। सुमित ने तो ये भी बताया कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ था। ओ हाँ। वो क्या है कि मैं जो रजनीश हूँ वो थोड़ा सा बेवकूफ हूँ। वो आपने सुना होगा ना, आ बैल मुझे मार। तो मैंने एक्चुअली बैल को आने दिया और अपने पिछवाड़े पर मारने दिया। पिछवाड़ा नहीं ऊपरी जांग पे लगी थी ना है? नहीं पिछवाड़ा वो भी बीचों बीच। लेकिन मेरा जो भाई है सुमित, सुमित आज की डेट में वो कुछ है। नहीं नहीं सुमित तो बस मैच खत्म होने के बाद क्रिकेटरों से बस फालतू के सवाल पूछता रहता है गधों की तरह। नहीं सुमित तो स्टार है। स्टार नहीं, स्टार रजनीश है, सुपरस्टार। हमारे मोहल्ले में सनी देओल और धर्म पाजी का कॉम्बो पैक। यकीन नहीं आता तुम दोनों पर। नहीं दो भाइयों में इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट। वाओ, जरूर तुम दोनों के माँ बाप बहुत ही सेंसिबल है, इसलिए तुम दोनों को इतनी अच्छी वैल्यूज दिए। हाँ हमारे मम्मी जी पापा जी वर्ल्ड में वन पीस है। I knew it. Anyways, I'm getting really late. It was so good to meet you, Rajneesh. Oh, good. Nice to meet you. अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। तुम तो सुबह से घर पे हो। हाँ, वो रजनीश की मेरे ऑफिस के बाहर ड्यूटी थी तो वो लेता आया। थैंक यू। सुमित मैं वो केक का एक पीस ले सकता हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं। मेरा भाई सुमित ना मुझे कभी ना नहीं कहता। ओ गॉड रजनीश, तुम भी ऐसे सुमित की तरह खाते हो? हाँ हम दोनों भाई ऐसे खाते हैं, बिल्कुल बेवकूफ लगते हैं। पर मुझे बहुत देरी हो रही है। इट्स सच अ प्लेजर मीटिंग यू। बाय सुमित। सुमित सुमित बाय बाय। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय। सी या। बाय। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका देना। तूने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि तू है और मैं हूं। यार देख मैं ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा हूँ। पहले ना मैं रजनीश के बारे में उससे तारीफें करूंगा, फिर उसके बारे में मैं इतना बड़ा चढ़ा के उसे बताऊंगा कि एक दिन नताशा खुद मेरे पास आएगी और बोलेगी सुमित तुम अपने बड़े भाई रजनीश की तरह क्यों नहीं बन सकते, और फिर बड़ा नताशा मैं ही मेरा बड़ा भाई रजनीश हूँ। तेरा केस ना एक हफ्ते तक न्यूज चैनल्स पर चलेगा। बुरा फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा। साइको कहीं का। स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ यार। माया को पता चल जाएगा वो सीधे डिवोर्स दे देगी। बता दूंगा मैं। साइको 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 बहुत बड़ा साइको।
वैसे वो काफी खूबसूरत है। तू अगर सुमित होता ना तो तुझे वो कभी नहीं मिलती। तेरा नाम सुमित नहीं होता तो वो तुझे भी कभी नहीं मिलती। वैसे हम दोनों ही होते तो इस लेवल की बंदियां हमें देखती भी नहीं। लेकिन दोनों भाई साथ हो जाएं, टोटे से भी टोटी लड़की पट सकती। सुमित और रजनीश एक साथ मिलके बन जाते हैं दिल्ली का सबसे बड़ा रोमियो सुजनीश। सुजनीश। Thank you. कैसी लगी? अबे ये जीतो पाजी की भतीजी, मतलब अबे जो सर्व करके गई इस पर अपना वो सुजनीश वाला फॉर्मूला अपना है। पागल हो गया क्या मोनू? भूल गया पिछली बार जीतो की बेटी के साथ क्या हुआ था? अबे वो पुराना एपिसोड था, और वैसे भी जो कुछ भी करना है वो मुझे थोड़ी ना करना है। जो कुछ भी करेगा बोलेगा वो तो तू करेगा। यस सर। हाय, ये मेरा भाई है सुमित, सुमित वालिया। ओके। मशहूर टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुमित वालिया, जैसे विराट कोहली भी घबराता है कि उसकी रिपोर्ट कहीं उसका करियर बर्बाद ना कर दे, ये आप पर फिदा है। अच्छा। हाँ, फुल ऑन। जो इंसान सचिन तेंदुलकर के सामने झुकता नहीं है उसे आपने ढेर कर दिया है। आप टीवी पर आते हो? पर वो कोई बड़ी बात नहीं। ओके, आप लोग कुछ और ऑर्डर देंगे? अब तो ऑर्डर आप देंगी और ये लेगा जिंदगी भर। हाँ, मैं मेनू कार्ड लेकर आती हूँ। अबे हंसी हंसी। अब तो पटा भी ले, अब सब कुछ मैं ही करता रहूंगा या तू भी कुछ करेगा? सर। एक्सक्यूज मी। जी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कोमल। नाइस टू मीट यू कोमल। आप फ्री कब होती हैं कोमल? जी नहीं, वो मैं सोच रहा था कि आप जब भी फ्री हो तो मैं आपको अपना टीवी स्टूडियो घुमा सकता हूँ। वाओ, सच? ठीक है, सैटरडे शाम को 4 बजे? हमारा सुमित यहाँ पे 3:30 बजे से ही वेट करेगा सेंटमेंट लगा के। सुमित, तू तो प्लेबॉय निकला यार। सुमित नहीं, सुजनीश। अब तो हम दीपिका पादुकोण को भी पटा सकते हैं यार। दीपिका नहीं, कंगना। मेरे बॉडी में ना एक अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। ना भाई, पत्नी व्रता पर अपने जवानी के दिन फिर से जी रहा हूं। सर 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 चीयर्स। Hi, I'm Natasha. रजनीश घर पे है? जी नहीं, वो एक्चुअली मैं रजनीश से कल सुबह ही मिली थी और एक मिनट तुम मेरे रजनीश से मिली? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं वो। वो तो हो गई, मेरा बेटा है ना। कुछ बात बनी रजनीश के साथ? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उनके लिए ये बैक मसाजर लाई थी, वो बैल ने मारा था ना उन्हें। अरे कितनी अच्छी लड़की है, कितनी संस्कारी भी है। आओ ना अंदर, अंदर बैठो बेटा, बैठ। वैसे आपको ये पैकेज रजनीश भैया के घर पहुंचाना चाहिए। रजनीश यहाँ नहीं रहते? वो एक्चुअली सुमित ने मुझे बताया था कि उनके ब्रदर उनके माँ बाप के घर के ऊपर ही रहते हैं, तो सुमित। अबे डॉलिंग, वो क्या है कि हेलो, द टॉल द स्लिम द ब्यूटीफुल, आई एम द जसबीर वालिया द ग्रेट। नमस्ते। सुनो जी, ये
सोनू की फ्रेंड है। सोनू की खूबसूरत फ्रेंड इज इक्वल टू जसबीर की खूबसूरत फ्रेंड। बाय द वे, हु हैज डन ड्यूटी ऑन योर ब्यूटी? अब डॉली, वो जरा सुमित को बाहर बुला। सुना है वो मेरे लूज मोशन को टाइट करने की दवाई लेके आया है। नताशा, माय मोशन इज टू मच लूज। वैसे सुमित यहाँ रहता है? हाँ, वो बच्चों को अंदर सुला रहा है। बच्चे? कैसे बच्चे? आप सुमित को कैसे जानती हैं? एक्चुअली सुमित और मैं रेस्टोरेंट में मिले थे एंड हम दोनों एक दूसरे से यू नो प्यार करते हैं। है? ये सोनू की नहीं, मोनू की नताशा है? अबे डॉली, ये फ्रूट की जगह पकौड़े होते ना तो ड्रामा देखने में बहुत ही मजा आता। I'm sorry, but कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरे पति को अफेयर करने का टाइम कहाँ से मिला? तुम्हारी पति? पर सुमित ने तो मुझे कहा था कि उसकी बीवी टपक गई है। मोनू ने तुझे टपका दिया? जब तक ये दोनों बातें कर रहे हैं ना, तब तक तू पकोड़े तली दे, लगता ड्रामा लंबा चलने वाला है। मोनू, तेरी हिम्मत कैसे हुई गैर लड़की की तरफ आंख उठा के देखने की? ये सिखाया मैंने तुझे? और मैंने क्या सिखाया? कि जब एक जनानी से परेशान हो तो दूसरी की तरफ जाइयो भी मत। दो दो परेशानियां होगी तेरी। What's going on? ये हो क्या रहा है? ये रजनीश नहीं है, ये सुमित है, मोनू। What? तो रजनीश नहीं हूं? मैं ना आप लोगों को समझाता हूं। मैं ही रजनीश हूँ। बता दिया, हम तो न जाने किस गलत फहमी में जी रहे थे आज तक। क्या कह रहे थे कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ, ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈਂ। ਸੌਰੀ ਸੋਨੂ। यार ठीक है ठीक है। ओ जी, ये है सुमित वालिया, टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे शुरू तो इस मोटे रजत ने किया था, लेकिन टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा, और फिर मैंने सोचा सब इससे प्यार करते हैं तो मुझसे भी करेंगे ही ना। नताशा, गलती मेरी ही है, एक बार टीवी ऑन करके चेक नहीं किया। कैसे करती? क्रिकेट देख के मैं बोर हो जाती हूँ। सुमित, रजनीश, सोनू, मोनू, जो भी तुम्हारे नाम, I've had enough. मैं जा रही हूँ. Out of my way. अबे चपड़ गंजू, नाम ही लेना था तो मेरा ले लेता। लोग मुझे ग्रेटर कैलाश का रोमियो कहते। सोनू, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करेंगे? भैया, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम सही कह रही हो माया, बात एक सफेद झूठ से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सुमित और मुझे इतना मजा आने लगा कि हम। एक मिनट, सुमित को ये पता था? मैं तो बस अपने उदास भाई की मदद कर रहा था। सुमित और रजनीश दोनों मिलकर बन गए थे सुजनीश। जनीश। पहले हमने नताशा को पटाया, फिर उसके बाद हमने जीतोस की जो वेट्रेस है उसको पटाया, फिर चांदनी चौक वाली जो नीता थी उसको पपीता का जूस पिलाया, और फिर सीपी में वो एंजेलिना हमारी झोली में खुद ही गिर गई।
ना नीता जी तो उसकी वेट्रेस। अबे उसको दोबारा पटा लिया। जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भाई साहब मैं आपको इलेक्ट्रिक मीटर दिखा देता हूँ, जल्दी आ जाओ। Bum 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 b